Hey guys, welcome to the science class. Today we shall discuss about the transfer of heat. Heat एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे ट्रांसफर होती है, फिर ट्रेवल करती है। इसके लिए क्या होता है, हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो किस फॉर्म में और किस तरह ट्रेवल करती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसको अगर हम फायर की तरफ, उसका एक सिरा फायर के साथ टच करते हैं और दूसरा सिरा हम पकड़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर। तो फिर वो किस तरह ट्रांसफर होता है, इसके तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जिस तरह हम कोई, ये मान लिया हमारे पास कोई रोड है, तो फिर इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर क्या करेगा, अगर मान लिया हमने यहाँ पे इसको यहाँ से गर्म करना स्टार्ट किया और यहाँ से हमने इसको पकड़ रखा हाथ से, फिर क्या होगा कि यहाँ से जब ये पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल है वो हीट गेन करेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गर्म। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, फिर इससे अगले पार्टिकल्स में ट्रांसफर करेगा, फिर ये गर्म होने के बाद इससे अगले पार्टिकल में ट्रांसफर करेगा, फिर इससे अगले में, फिर इस तरह करते 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 क्या जाएगा, बिल्कुल एंड में पहुँच जाएगा। तो इस तरह जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर का, उसको कहते हैं हम कंडक्शन ऑफ हीट। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट, जब ये लिक्विड और गैसेज के अंदर होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर मान लिया हमने इसको, इसके अंदर पानी है और इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब यहाँ पे जो जिसके बॉटम में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे और फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, ये इसकी टॉप लेयर में चले जाएंगे। इसी तरह जो ऊपर से जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर इस तरह क्या होगा कि ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इसको हीट सप्लाई होती रहेगी। तो फिर ये इस तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या कहते हैं, हम इस तरह ट्रांसफर ऑफ हीट को कन्वेक्शन कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज द रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कैसे होता है, जैसे कि हम सन है, सन से हमें एनर्जी मिलती है, या फिर जो लाइट मिलती है वो किस फॉर्म में आती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है इस तरह। तो उसके दौरान क्या होता है कि उसके अंदर ना कोई पार्टिकल्स होता है ना कुछ, सिर्फ जो रेडिएशन आती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब दिन में अधिक धूप होती है, तो फिर शाम को जैसे कोई दीवार है या छत है, या फिर हम ग्राउंड की बात करें, तो फिर वहाँ से क्या होती है, कुछ हमें गर्मी महसूस होती है, तो फिर वहाँ से क्या होती है, हीट निकलती है। वो किस फॉर्म में आती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंडक्शन, जैसे कि अगर मान लिया मैंने यहाँ पे एक बर्नर ले रखा है, या फिर कोई भी हीट का सोर्स है, फिर उसके अंदर, उसके ऊपर मैंने क्या लिया कि एक टेबल स्पून ली स्टील की, और फिर उसको एक एंड को पकड़ लिया, तो फिर मैंने जैसे ही क्या किया, उसको इसका एक एंड उस आग के ऊपर रखा, तो दूसरा एंड क्या हुआ, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठंडा है, तो फिर धीरे धीरे ये ट्रांसफर इस तरफ हो जाएगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस तरह क्या कहते हैं, इस तरह जो सॉलिड्स के अंदर जो ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बता रखा है कंडक्शन हीट क्या होता है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद हीट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एज ए होल। इसके अंदर मटेरियल की मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ हीट की मूवमेंट होती है, वो पार्टिकल टू पार्टिकल। इस तरह अगर आपको और अच्छे से डिस्कस करना हो, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया वो मैंने एल्यूमिनियम रोड ले ली, उस एल्यूमिनियम रोड के अंदर क्या करना है कि मैंने उसके उस वैक्स मोम की हेल्प से उनको नेल्स को फिक्स कर दिया, फिर उसको क्या किया मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से ये नेल्स हैं ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है, जो जो हीट इस एंड की तरफ आती जाएगी, ये नेल्स नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट किन से होता है, सॉलिड्स में होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट
सिर्फ कन्वेक्स रूफ हीट बनने से पहले हम कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। और अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इजीली हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, जिस तरह वन एंड टू अनदर एंड, जैसे कि हीट इस कॉर्नर तक इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो जहाँ पे इजीली ट्रांसफर हो जाती है मीन्स जो कंडक्शन ऑफ हीट गुड है, जिनका जिन मटेरियल्स का कंडक्शन ऑफ हीट क्या है, गुड है, उन्हें क्या कहते हैं, हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। और जिनका पुअर है मीन्स जो अच्छे से हीट को सप्लाई नहीं करते, उन्हें कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर हम उन्हें इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर कॉपर या फिर स्टील, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट बहुत अच्छा होता है, तो फिर मीन्स ये क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं। तो फिर इसलिए हम इनके बर्तन यूज़ करते हैं ताकि खाना हमारा इजीली पक जाए, नहीं कि हम कभी आपने देखा होगा कि हम प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं बनाते, क्योंकि वो क्या है, वो है इंसुलेटर ऑफ हीट। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे हमारे ये कुकर होता है, प्रेशर कुकर और ये फ्राइंग पैन होता है, इनके अंदर जो ये हैंडल होते हैं, इनके प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, या फिर इनको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर होते हैं तो फिर ये हीट ट्रांसफ़र को रोक लेते हैं, और हीट ट्रांसफ़र को रोकने के कारण क्या है, हमारा हाथ नहीं जलता, हम इनको ईजीली यहाँ से पकड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट सॉलिड्स के अंदर कैसे होता है, और कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार स्टेनलेस स्टील के जो फ्राइंग पैन बने होते हैं, इनके नीचे कॉपर की परत चढ़ाई जाती है। वो किस लिए, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर स्टील से भी एक गुड कंडक्टर है हीट का, और इसीलिए क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा फ्राइंग पैन के नीचे कॉपर की लेयर लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट अच्छा होता है, फिर इससे क्या होता है कि हमारा खाना जल्दी पक जाता है इसीलिए। और जो मरकरी के अंदर, मरकरी मेटल किस में यूज होती है, मरकरी मेटल होती है थर्मामीटर्स में, क्योंकि ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्योंकि टेम्परेचर आपने कई बार, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, थर्मामीटर में मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो हमें वो एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स के अंदर क्या होता है कि एक वो उनके अंदर गैप, जो वूल्स होते हैं उनके वजह से वो गैप क्रिएट हो जाता है, और जो उसमें क्या होती है, हवा ज़्यादा रुक जाती है, और हवा ज़्यादा होने के कारण हवा क्या है, इंसुलेटर का काम करती है। हवा इंसुलेटर का काम करने के कारण जो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो उसको बाहर नहीं जाने देती, और वो अंदर ही रह जाती है, और जो बाहर की ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती है हमारे शरीर के। तो इस वजह से क्या कहते हैं, हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या होता है, जिस तरह वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसुलेटर नहीं होता, इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और लाइट कलर पहनते हैं। ऐसे ही जिस तरह की आपने कई बार बर्ड्स को देखा होगा कि वो पंख फैला के बैठते हैं, क्योंकि पंख फैला के बैठते हैं, क्योंकि उनके अंदर हवा क्या होती है, हवा इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो उन्हें ठंड से बचाती है। द फीदर ऑफ द बर्ड शुड कीप देम वार्म इन कोल्ड वेदर ड्यू टू एयर ट्रैप्ड इन, क्योंकि वो हवा इकट्ठी हो जाती है, और फिर उस वजह से वो क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है। आपको कई बार देखा होगा कि आपको ये कहा जाता है कि आपको सर्दियों में एक थिंक ब्लैंकेट की बजाय टू थिन ब्लैंकेट्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो दो ब्लैंकेट्स होते हैं जो थिन होने के कारण उनके बीच, जब उनको दो को हम जोड़ेंगे तो एक साथ उनके एक साथ क्या हो जाएगा, बीच में हवा का एक गैप क्रिएट हो जाता है, फिर उस वजह से हवा क्या करती है कि इंसुलेटर का काम करती है, उस इंसुलेटर के कारण हमें ठंड से बचा लेती है। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट किस में होता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है लिक्विड्स में और गैसेज में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट।
जैसा कि हमने बताया कि पिछले पार्ट में कि हीट कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, मीन्स जहाँ गर्म चीज़ें ठंडी चीज़ की तरफ करती है। तो फिर इसके लिए हम जैसे कि हमने डिस्कस किया था पीछे कि कंडक्शन कंडक्शन ऑफ हीट किसके अंदर होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है, और जो लिक्विड्स और गैसेज के किस फॉर्म के अंदर होता है, कन्वेक्शन की फॉर्म में। कन्वेक्शन मीन्स इसके अंदर क्या होता है, पिछले पार्ट्स में क्या किया था हमने कि सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही थी पार्टिकल टू पार्टिकल, न कि पार्टिकल अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहे थे, मीन्स अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो इसके अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन ऑफ हीट के अंदर क्या होगा, पार्टिकल जो भी पार्टिकल हीट को गेन कर लेगा वो उस जगह से मूव कर जाएगा दूसरी जगह पे, और फिर जिस तरह यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा वो क्या है नीचे आ जाएगा, वो उस जगह पे वापस आ जाएगा, फिर वो क्या होगा हीट गेन करेगा, और फिर इस तरह ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि आपने वाटर के अंदर देखा हो पानी को, जिस तरह की पानी क्या होता है, पानी एक पोअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कि पानी के अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे जैसे कि मैंने ये कोई वाटर कंटेनर या कोई बीकर ले लिया, और फिर इसके नीचे क्या किया मैंने एक बर्नर को ऑन किया, क्या बर्नर की वजह से क्या हुआ यहाँ पे हीट हुआ, कि हीट क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कभी हम गैस के ऊपर या फिर स्टोव के ऊपर या फिर किसी चूल्हे के ऊपर जब हम कोई कंटेनर के अंदर पानी डाल के रखते हैं तो उसके नीचे बिल्कुल छोटे छोटे बबल से बन जाते हैं, फिर वो क्या होता है धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि वो हीट को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फिर इससे क्या होता है फिर ये इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। फिर और जो हमारा जो भी लिक्विड होता है या वाटर होता है वो क्या होता है गर्म हो जाता है, इसी तरह से ये होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब हम डिस्कस करें तो गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो जल्दी से हीट को ट्रांसफर करते हैं वो होते हैं गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट, जैसे कि वाटर। वाटर क्या है, गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट है। जो आपने कई बार देखा होगा कि जो भी हम जब हम लिक्विड्स को गर्म करने के लिए कोई कंटेनर लेकर आते हैं, जैसे कि आपने हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि इस तरह की रोड होती है जो वाटर टैंक टाइप होती है, उसके अंदर नीचे रोड लगाई जाती है। नीचे क्यों लगाई जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वाटर होगा ना यहाँ पे वो क्या होगा गर्म होकर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए हमें इनको नीचे लगाते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी, उसके अंदर भी क्या होता है जो उसकी बॉटम के अंदर होता है उसके अंदर वायर होती है, उसी के अंदर हीटिंग एलिमेंट फिक्स किया जाता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो फिर इसी तरह क्या होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है। अब हमने जैसा कि लिक्विड्स में डिस्कस किया ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन इन एयर। एयर के अंदर कैसे होता है, एयर के अंदर भी वैसे ही होगा जैसे जिस तरह की हीट कहाँ से ट्रांसफर होती है, हीट होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर मान लिया यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो फिर यहाँ क्या है लो टेम्परेचर, तो फिर कहाँ से ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ। जैसे कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर क्या होता है, हीटर क्या होता है कि हमारे रूम को जो रूम हीटर होता है हमारे रूम को गर्म कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हीट हीटर क्या करता है हीट ट्रांसफर करता है, हीट ट्रांसफर होता है फिर वो हमारे रूम में किसके थ्रू होता है, क्योंकि कोई हमें ऐसा कोई मटेरियल सॉलिड और या लिक्विड तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो किसके थ्रू होता है, वो एयर के थ्रू होता है। फिर एयर के अंदर क्या होता है कि जिस तरह जैसे ही जो हीटर के पास एयर होगी वो क्या हो जाएगी हीट गेन कर लेगी, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी छत की तरफ, और फिर वो क्या होगा जो कोल्ड एयर होगी उसका क्या होगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो चीज़ भारी हो जाएगी, और वो भारी हो जाएगी तो फिर वो क्या होगा नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो फिर क्या होगा वो हीटर के कॉन्टैक्ट में आएगी, और हीटर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो फिर वो हीट गेन करेगी, और फिर वो क्या होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, और फिर हमारे रूम क्या होता है गर्म हो जाता है। अगर हम जैसे कि अब गर्मी आ गई है तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है हीटर वाला एग्जाम्पल, तो फिर आप एक काम कर रहे हैं जब आपको कैंडल या फिर वो कोई हीट का सोर्स लेके उसके ऊपर हाथ ऐसे हाथ लगा के देखना कि क्या होगा कि धीरे धीरे आपको है ना स्टार्टिंग में तो आपको
एकदम से गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन जब धीरे धीरे क्या महसूस करोगे कि जब जो जो एयर ऊपर की तरफ आती जाएगी तो आपको हाथ को गर्मी महसूस होगी। तो फिर ये ट्रांसफर कौन सा होता है? ये होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट, क्योंकि ये यहाँ पे जो एयर बबल्स या फिर एयर पार्टिकल्स हैं ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं हीट गेन करने के बाद। जैसा कि हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन में और क्या होता है, जैसे कि वाटर क्या है, वाटर और ये है लैंड, जितने भी सी कोस्ट में, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी समुद्री इलाका है वहाँ पे क्या होता है कि दिन में तो जो हमारी लैंड होती है या फिर जो धरती होती है वो क्या होती है कि जो सूर्य की गर्मी की वजह से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर गर्म होने की वजह से क्या होती है, हवा ऊपर उठ जाती है, और जो समुंदर होता है समुंदर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। और आपको जैसे ही पता है कि हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो ठंडी हवा है वो क्या होगी, इस गर्म हवा की जगह ले लेगी, इसलिए हमें वहाँ पर क्या होता है कि हमें ठंड महसूस होती है दिन के वक्त। और जो हवा है वो समुंदर से धरती की तरफ चलती है, और जब रात को क्या होता है, रात को क्या होता है कि जो हमारी धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो फिर उसके दौरान क्या होता है कि जल्दी ठंडी होने के कारण क्या होगा, जो लैंड पर जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा कि और जो सी के अंदर जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो फिर उस गर्म होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और जो लैंड है वहाँ से हवा जो सी की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक कूल ब्रीज होती है। कई बार पूछा भी जाता है कि जहाँ पर समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे दिन के समय की हवा की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो उसके अंदर बता दिए हमें सी टू लैंड, और जो रात के टाइम होते हैं वो लैंड टू सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आगे आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन। ओके, थैंक यू।